तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको फैम पे में गिव अवे के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि गिव अवे में आपको किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, आपका जीतने का कंडीशन क्या रहता है, या फिर किस तरह से आप जीत सकते हैं, किस तरह से आप इसमें कॉइन लगा सकते हैं। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखिएगा तो आपको ज़रूर से इसमें फ़ायदा होने वाला है। तो आपको सिंपली सा फैम पे को ओपन कर लेना है। फैम पे को आप जैसे ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब ऑप्शन क्या है तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है रिवॉर्ड्स का, आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स वाले पे क्लिक कर लेना है। रिवॉर्ड्स वाले पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का आइकन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो कई सारे लोग यहाँ पे लालच लालच में क्या करते हैं, गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। जैसे एंटर गिव अवे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब एंटर गिव अवे में क्या होते हैं, यहाँ पे लोग क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कुछ टर्म और कंडीशन उनका फैम पे का दिया हुआ रहता है, आपको चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। कई बार यहाँ पे आपको एयरड्रॉप्स का भी ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पे आपको स्पीकर का, एयरबड्स का, कई सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इसमें आपको ज्वाइन कैसे करना है, यहाँ पे किस तरह से ज्वाइन हो सकते हैं, किस तरह से आप यहाँ पे लगा सकते हैं, किस तरह से आप इसको जीत सकते हैं, तो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे कम यहाँ पे हमको कितने में दिया जा रहा है, तो मैं आप यहाँ पे रेफ देख सकते हैं, यहाँ पे 2000 कॉइन पे दे रहा है। यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे 50 रुपये में क्या है पता नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं जो फैम पे यहाँ पे आईफोन का जो दिया हुआ है यहाँ पे आपको 500 कॉइन में दे रहा है। तो मैं इसी को आपके सामने करेक्ट करके मैं बता देता हूँ। तो इस पे आने बाद आपको नो मोर पे क्लिक कर लेना है। नो मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो विनर था उसका नाम यहाँ पे आ चुका है, यानी कि आप ये जो है यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है। तो एक्सपायर हो चुका है यानी कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कई सारे यहाँ पे और भी देखने को मिल जाता है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 100 कॉइन पे, यहाँ पे आप देखोगे 100 कॉइन पे यहाँ पे हमको टिकट्स जो है गेट टिकट्स का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, गेट टिकट्स पे यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। गेट टिकट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 फैम कॉइन जो है हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं। तो issue 1 टिकट्स पे आपको क्लिक कर लेना है। टिकट्स पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपका जो टिकट है वो आपके सामने यहाँ पे आ जाता है। टिकट आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे टिकट हमारे सामने आ चुका है, टिकट का जो कोड है वो हमको यहाँ पे दे दिया गया है, उसका यहाँ पे 100 फैम कॉइन हमने इस पे लगाया वो भी कॉइन यहाँ पे आ चुका है, और हमने क्या विनर करने वाला वो भी यहाँ पे नाम आ चुका है। यहाँ पे जो कॉइन आ चुका है उसका हमको यहाँ पे देखना है कि हमको यहाँ पे जो क्या किस तरह से हमको मिलने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पे सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे क्या होने वाला है। तो जो हमने यहाँ पे खरीदा था उसका यहाँ पे नीचे की ओर आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमने लिया था यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है व्यू टिकट्स का। तो व्यू टिकट्स पे आप जैसे क्लिक करते हो हमारे जो टिकट है वो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद अगर हमको यहाँ पे चेक करना है कि इसका रिजल्ट कब आने वाला है, किस तरह से हमको मिलेगा, तो यहाँ पे आपको गेट मोर टिकट्स पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। टिकट्स पे यहाँ पे आप क्लिक करते हो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम एक टिकट्स को 49 टाइम यानी कि 50 बार ही हम यहाँ पे ले सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ से उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे उस आइकन पे आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिजल्ट डेट देखने को मिल जाता है, यानी कि 14/9 आज हमारा डेट कितना 8 सितंबर यानी 8 तारीख है। तो 14 तारीख को हमारा जो यहाँ पे रिजल्ट आउट होने वाला है और इसका जो विनर है वो कौन हुआ है क्या नहीं है वो यहाँ पे आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला था कि आपको किस तरह से टिकट्स को परचेस करना है और किस तरह से यहाँ पे आपको सारा कुछ इसमें यूज करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो या फिर कोई भी डाउट्स रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।